हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और ये एक्चुअली है फ्राइडे का क्लिप। युवराज के लिए मैं टिफ़िन तैयार कर रही हूँ यहाँ पे, और काफ़ी टाइम हो गए थे इस बार मुझे पूरियाँ बनाए, तो इस वजह से युवराज ने बोला कि मम्मी आज मैं पूरी सब्ज़ी ले जाऊँगा, तो बस टिफ़िन के लिए मैं तैयार कर रही हूँ फटाफट से। और मैंने चक्की भी लगा रखी है, एक्चुअली आटा पीस रही हूँ, मतलब गेहूँ डाला हुआ है तो आटा पीस रहा है, और मुझे कहीं जाना भी है, तो इस वजह से मैं फटाफट कई सारे काम साथ में कर रही हूँ। मशीन में कपड़े भी मैंने डाल रखे हैं, तो मशीन भी चालू है, और मैं टिफ़िन भी तैयार कर रही हूँ, और रिकॉर्ड कर रहे हैं युवराज जी। युवराज को मैंने दिया कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो, तो आप वीडियो की हालत देख के समझ सकते हो कि आप देखो जैसा ऐसा लग रहा है ना कि भूकंप आया है वीडियो में मेरे, तो ऐसा ही करता है लड़का। तो बस फटाफट से मैं पूरियाँ बनाऊँगी और उसका टिफ़िन पैक करूँगी, और उसके बाद में मैं बाकी सारे काम मेरे हो रहे हैं, तो बस खाली करना है डब्बों को, मतलब जो आटा पीस रहा है उसको खाली करना पड़ता है। और यहाँ मैं जब तक पूरियाँ बना रही थी, जब तक मैंने मशीन भी लगा दिया था, मतलब आटा चक्की जिसमें गेहूँ पीसा जाता है, तो मैंने गेहूँ डाल दिया था पीसने, तो वो मेरा दो दो काम साथ में हो रहा था, यानी उसका टिफ़िन भी मैं तैयार कर रही थी, और यहाँ पे आप देखो आटा भी पीस गया है मेरा, और इतना ज़्यादा मतलब ऊपर तक ये आटा आ गया है कि ढक्कन हटाऊँ तो पूरा नीचे बिखर जाए, इतना ज़्यादा भरा हुआ है। और क्योंकि अभी चक्की अच्छा चल रहा था ना, तो मैंने सोचा चलो गेहूँ डालते जाओ, तो इतना इस चक्कर में, अब देखो मैं ढक्कन हटाऊंगी तो आप देखना पूरा पहाड़ बना हुआ है आटे से, क्योंकि कभी कभी ना मतलब जैसे रुक रुक के चलती है चक्की मेरी, मतलब ऐसा ही होता है। तो अभी अच्छे से चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो गेहूँ डाल देती हूँ, तो इस चक्कर में पूरा उसका डब्बा ही भर गया है, आप देख सकते हो। इसलिए मैंने पेपर डाला है नीचे, ताकि अगर गिरे भी तो उसके ऊपर ही गिरे। और मैं एक्चुअली किचन में बैठी हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आपको बैकग्राउंड में कुकर की सीटी की आवाज़ आ सकती है, क्योंकि मैं खाना भी बना रही हूँ और ये काम भी कर रही हूँ, तो ऐसा ही होता है, कई सारे काम साथ में करने पड़ते हैं। देखिए कैसे उसे मैं हटा रही हूँ, और मैं हंस भी रही थी कि देखो क्या मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी कि अच्छा चल रहा था, चक्की घंटी यानी बोलने जा रही थी, या घंटी बोला जाता है, तो चक्की अच्छी चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो गेहूँ डालते जाओ, पर ये नहीं सोचा कि आटा पीस के जाएगा कहाँ, ये तो अच्छा है चलो ऊपर तक, मतलब ढक्कन हटाया तो बिखरा नहीं है, थोड़ा बहुत तो बिखरा ही है, पर मैंने पेपर रख रखा है, तो वो मैं गाय को डाल दूँगी, गाय को भी डालना चाहिए थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि जो बचे खुचे वही डालें, अच्छा भी डाल सकते हैं आप, आटा भी डाल सकते हो, रोटी स्पेशल बना के डाल सकते हो, गाय को दे सकते हो, मतलब तो जो बचता है। और ऐसे भी मैं जिस दिन चक्की लगाती हूँ उस दिन काफ़ी सारा गेहूं, काफ़ी सारा आटा जो बिखर जाता है इधर उधर, तो मैं सारा कुछ समेट के और गाय को खिला देती हूँ। और ये काम करके फिर मुझे युवराज को तैयार करना है स्कूल के लिए, जो कि डेली का काम होता है मेरा, आप सबने देखा ही इससे लास्ट वीडियो, वो मेरा डेली का होता है, पर कितना आप एक ही चीज़ तो दिखा नहीं सकते ना, मतलब एक ही चीज़ बार बार नहीं दिखा सकते, और काफ़ी काम होता है जो सुबह से शाम तक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता ना, तो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं चलो ठीक है क्या है करना है ऐसा, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करो और वीडियो को लाइक किया करो, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए यहाँ पर आटे को ना कभी भी पीस के ना उसको एकदम से ढक्कन नहीं लगाना चाहिए, मतलब थोड़ा सा खुला रहने देना चाहिए, गर्म रहता है ना तो उसमें गुठलियाँ आ सकती हैं, जो आटा हम पीसते हैं तो थोड़ा गर्म ही रहता है, तो अगर आप उसको ढक्कन लगा दोगे ना पूरी तरह से, अगर फिट बंद कर दोगे तो उसमें बहुत सारे मतलब गुठलियाँ आ जाएंगी, या फिर वो थक वैसे हो जाएगा जैसे हम चिक्की वगैरह जमाते हैं वैसा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा उसको थोड़ी देर बाद ही बंद करें, आधे घंटे या 40 मिनट के बाद ही बंद करें। और देखिए यहाँ पर मैं दूसरी बार भी लगा दूँगी चक्की, यहाँ देखिए ये अभी इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि अभी मैं फ्री नहीं हूँ, तो मैं अभी इनको तैयार कर नहीं सकती हूँ, और ये खुद से होंगे नहीं तो इन्हें मुझे तैयार करना पड़ेगा, तो मैं पहले ये काम कर दूँ, मतलब गेहूँ डाल दूँ पीसने के लिए, और उसके बाद मैं इनको तैयार कर दूँ। और आटा शुद्ध तो मिलता है घर पे, हम जब पीसते हैं चक्की है तो आटा एकदम प्योर होता है, लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा प्योर होता है मतलब इसको पीसना, फिर आप सोचो चक्की पूरा साफ़ करना, अंदर से पूरा एकदम फैल जाता है ना, तो पूरा साफ़ करना पड़ता है, इसका जार को साफ़ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, तो मेहनत भी लगता है, बट ये है कि हाँ घर का है शुद्ध है तो वो तसल्ली रहती है। और बस मुझे कहीं जाना है तो मैं निकलूँगी भी, इसलिए मैं फटाफट काम कर रही हूँ देखिए यहाँ पे। और आज मैं मल्टीपल काम कर रही हूँ, यानी एक साथ कितने सारे काम कर रही हूँ आप देखो, गेहूँ पीसना, फिर टिफ़िन तैयार किया उसको तैयार करूँगी, मतलब टिफ़िन तो मैंने बना दिया है बट मैं उसको तैयार करूँगी जब तक कि गेहूँ पीसेगा, और मशीन में मैंने कपड़े भी लगा रखे हैं, कपड़े भी डाल रखे हैं, तो कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं,
और इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। देखो यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, तो एक साथ मैं तीन तीन काम मैं कर रही हूँ। यहाँ पे कपड़े भी धुल रहे हैं, आटा भी पीस रहा है और मैं युवराज को तैयार भी कर रही हूँ। मतलब अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जबकि आप ये देख रहे हो, लेकिन इसके बाद में मैं युवराज को तैयार करूँगी। सुबह के टाइम में ज़्यादा काम रहता है, और सबको ही रहता है, ऐसा नहीं है सबको ही रहता है। और शाम को थोड़ा कम काम रहता है क्योंकि सुबह में देखो सब कुछ साफ़ सफाई, कपड़ा धोना, मतलब टिफ़िन तैयार करना, बच्चों का स्कूल हो गया, हस्बैंड का ऑफिस हो गया, यानी सारा कुछ जो है सुबह सुबह में ही रहता है, तो शाम को इतना काम नहीं रहता है। और देखिए यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ जहाँ मुझे जाना था, मतलब मैं दीदी के घर पे आई हूँ। इतने सारे गले से वीडियो डिलीट करने हैं, इतने सारे एडिट में डाले हुए हैं, सब चोखा चटनी बनता है। तूने दो दो क्यों चीज प्लेस डाली? हाँ दो डाली, दो डाली हो पागल हो? एक को डिलीट कर दिया। कब करी? सुबह ही कर दिया। और यहाँ एक्चुअली हम बना रहे हैं समोसा, तो बस उसी की तैयारी में लगे हैं। और समोसा की रेसिपी अभी मेरे पास नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि दीदी के घर पे बनाए थे तो उनके ही मोबाइल से हमने शूट किया था। तो मैं मतलब अभी मैं गई नहीं हूँ, इसके बाद में जब मैं गई थी उसके बाद में गई नहीं हूँ, ना कि दीदी भी आई हैं, तो इसी वजह से अभी उनके पास ही है वीडियो, तो मैं अभी आप सबके साथ में नहीं रेसिपी शेयर कर पाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तुम्हारे घर में ही बनाओ, मेरे घर में ही बनाओ, चलो बताओ। और ना क्या, देखो जो बड़ा होता है उसको हर चीज का एक्सपीरियंस होता है ना, पानी पचपच पचपच कर रहा आता कम तो बड़बड़ाता जाता है। उसमें भी फटाफट प्याज काट के रख दो, कढ़ाई में बहुत हो गया है, वो तो अपने डालने के ऊपर है। धनिया काट लो, धनिया काट लो, हाँ तो मेरा चक्कू ऐसा है, इस चक्कू से मतलब हो ही ना काम। हाँ सच में मैं देखती हूँ लोगों को चॉपिंग करते, लोगों का चक्कू ऐसा होता है। हाँ वो देखते हैं इतना बड़ 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 पता नहीं मेरा, इस चक्कू से तो कुछ भी नहीं होगा। मैं यूट्यूब खोल रही हूँ आपका, मैं देखती हूँ कहाँ दो वीडियो आया है, एक ही तो है, एक ही है, देखो एक ही है। और उसमें जाओगे ना वो क्या बोलते हैं दूसरे में, उसमें एक है, ये रखा इसमें, इसमें पचपन हुआ। हाँ पचपन, हाँ बस दोनों में एक एक है, एक ही चैनल में दोनों थोड़ी डालूंगी यार, मैंने सोची कहीं गलती तो नहीं करती, क्योंकि मैंने सुबह डाला था ना तो उसको मैंने डिलीट किया, मैंने उसको जाने दिया, हम जाने धनिया पत्ता ज्यादा अच्छा लगता है यार समोसे में। हाँ इसलिए तो, और काट दो ना। बस ठीक है लो मिर्ची काट दो, हटा तो नहीं है ना, ना नहीं डालूंगी। अब बताओ आप क्या करना है, थाली में सब रखूंगी प्लेट में रखूंगी, इसको बघाना पड़ेगा ना तभी दिखा देंगे, तो डालते हुए। हाँ नहीं बघाना है तो डालते हुए सब दिखा देंगे। हाँ ये डाले, और प्लेट में सजा के दिखाओगे कि ये चीजें डालनी है। हाँ तुम्हारा डालो, छन्नी लगा रखी उसके मुंह में, सच में छन्नी लगा रखी है। इतना तो देखो रहेगा ना, मिर्ची पड़ेगा तो पाउडर तो हल्दी नुकसान करता है, पता है मिर्ची पाउडर लाल मिर्च पाउडर नुकसान करता है, हरी मिर्च नुकसान नहीं करता। हाँ
वही मैं बोल रही थी कि बच्चे के मुंह में ना छन्नी लगी होती है, मतलब घर घर के बच्चों का देखना, आपके घर पे भी बच्चे हैं तो उनको मतलब ये नहीं डालो वो मत डालो, उनके किसी को अदरक से प्रॉब्लम है, किसी को मिर्ची से प्रॉब्लम है, किसी को पालक नहीं खाना है, तो इस तरीके से करते हैं बच्चे। और मेरा युवराज है तो बोलता है कुछ भी यार, यानी तड़के में जैसे जीरा डालते हैं और राई डालते हैं तो बोलेगा वो निकाल के दो। अब बताओ मतलब राई और जीरा कैसे कोई निकाल सकता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर नहीं ज़रूरत है तो ना डालूँ, मतलब देखो तड़के में अच्छा तो लगता है, सौंधापन लगता है जीरे से और राई से, बट बच्चे नहीं खाते ना तो फिर उस हिसाब से ही बनाना पड़ता है। आपके बच्चे जिस तरह से टेस्ट पसंद करते हैं तो आप उसी तरह से बनाना पसंद करते हो कि बच्चे खाएँ, तो वही चीज़ है। तो वही बोल रहे थे कि मिर्ची को कूट के डाल दूँगी और कट करके नहीं डालूँगी, कूट के डालने से तीखापन तो आएगा लेकिन जैसे मुँह में नहीं आएगा, तो इस वजह से बोल रहे थे कूट के डाल दूँगी। समोसा बनाना एक्चुअली बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम है क्योंकि उसमें तैयारियाँ बहुत सारी करनी पड़ती है, टाइम तो लगता ही लगता है बट तैयारियों में भी बहुत सारा टाइम लगता है, तो इसी वजह से ऐसा कुछ बनाना होता है ना तो फिर मैं दीदी को यहाँ बुला लेती हूँ अपने घर पे, मुझे कुछ ऐसा बनाना होता है तो, या फिर दीदी को कुछ बनाना होता है तो फिर वो मुझे बुला लेते हैं तो मैं चली जाती हूँ, तो मिल के हम लोग कर लेते हैं, तो इतना ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं पता चलता साथ में करने की वजह से और काम भी कम पड़ता है, दोनों मिल बांट के कर लेते हैं इसलिए काम भी कम पड़ता है। और यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है गहरी चिंतन में बैठी हूँ, पता नहीं मैं क्या ही सोच रही थी मुझे याद नहीं है, बट कुछ तो ऐसे होता है ना कि आप बैठे रहते हो अकेले तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, बस पता नहीं क्या ही चल रहा है अभी मेरे दिमाग में, मेरे को खुद को ही पता नहीं, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। मेरे जैसा नहीं हो गया लहसुन तो कूटना पड़ेगा ना, हाँ छिला हुआ है छिले में उसमें रखी तो छिले नहीं, तो छिला हुआ कर लेते हैं, मतलब है ना छिला हुआ, हाँ क्या मतलब मेहनत या टाइम बचा रहे हैं क्या, मैं नहीं नीचे बैठना दाल भुजी में डालना है, हाँ कूद के रख कूद के तो यहाँ रख दूँगी और आपने कभी ये तरीका अपनाया है मतलब कुर्सी पे बैठे हो और वही सब झुक के अपने सब मिर्ची कूटते हो, नहीं अपनाया तो मत अपनाइएगा, मतलब मैं तो ऐसा सोची चलो दो चार लहसुन है तो ऐसे झुक के कूट लेती हूँ क्योंकि कौन फिर नीचे बैठे और फिर उठना करे इस वजह से, तो मैं तो सोची कि मैं टेबल पे ही कूट लूँ लेकिन नहीं कूट सकते, पूरा सामान हिलने लगा था तो इस वजह से फिर मैंने झुक के ही और कूट लिया है। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि बस शॉर्टकट में काम ख़त्म कर लो, ऐसे वाली चलने और घर आने के बाद में एक्चुअली मैं बनाने लगी हूँ अचार हल्दी का, और सफ़ेद हल्दी आती है यहाँ आंबा हल्दी बोला जाता है और उसका मतलब हस्बैंड लेके आए थे दो तीन दिन पहले तो मैंने फ्रिज में नहीं रखा था बाहर ही रखा था, तो मैं ना दोपहर में उसको पानी में डाल दी थी कि चलो मैं बनाऊंगी, बट उसके बाद फ़ोन आया दीदी का तो फिर मुझे जाना पड़ा, तो फिर मैंने सोचा पानी में डाला हुआ है तो फिर ख़राब हो जाएगा, तो आने के बाद मैं कपड़े चेंज किए और उसके बाद में बस मैं बनाने लगी हूँ, मतलब उसको कट कर करके मैंने छिलके कट कर लिए हैं सारे, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे मिर्ची भी था तो मैंने सोचा मिर्ची भी साथ में डाल देती हूँ तो अच्छा टेस्ट आएगा, जो मोटी वाली मिर्ची आती है ना जिसे हम कभी भर के भी बनाते हैं, मतलब मिर्ची तो कई तरह की आती है लेकिन आप देख सकते हो कौन सी मिर्ची मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा अचार बनता है, मिक्स अचार जो बनता है बहुत ही अच्छा बनता है, तो फिलहाल तो इसमें बस नमक डालूंगी मैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ आप सब लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।